हेलो फ्रेंड्स, आज हम बना रहे हैं आलू छोले। ये देखिए, ये हमने 2 बड़ी कटोरी रात को ही पानी में भीगने के लिए रख दी थी और ये अच्छे से भीग चुके हैं। तो ये हमारे छोले फूल चुके हैं और हमने इसको अच्छे से वॉश कर लिया। अब हम इसमें 4 और 5 सीटियां लगाएंगे और कम से कम 10 मिनट के लिए हम इसको धीमी आंच पे पकाएंगे। अब हम इसको कुकर में डाल देंगे और हम इसमें यही वाला भिगोना, आधा भिगोना हम पानी डालेंगे। ये हम इसमें पानी डाल देंगे। ये देखिए, ये पूरा हमने आधा भिगोना इसमें पानी डाल दिया है। अब हम इसमें 2 चम्मच नमक डालेंगे। इसमें मीठा सोडा डालने की आपको ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये रात से ही हमने भिगा के रखे हैं, तो ये अच्छे से पक जाएंगे। ये हमने 2 से 3 आलू अच्छे से इनको छील लिया हुआ। अब हम इनको काट लेंगे। छोटे पीस नहीं करने हैं, हमने बड़े बड़े पीस ही करने हैं इसके। ये कम से कम जो हमने चने डाले हैं, ये 5 से 6 लोगों के लिए अच्छे से बन सकते हैं। और ये हम 2 से 3 इसमें आलू डाल रहे हैं। 6 लोगों का खाना बड़े अच्छे से तैयार हो सकता है जो हमने इतने जो चने डाले हैं। 2 बड़ी बड़ी कटोरियां हमने चने की भिगो के रखी हैं। अब ये आलू है, आलू को हम ना अच्छे से धो लेंगे। ज़्यादा देर तक इनको ऐसे खुले नहीं रखेंगे, नहीं तो ये काले हो जाते हैं। और इनको धो के फिर इनको हम फ्राई करेंगे। ये हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें आलू डालेंगे। अब हम इनको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे आलू होने वाले हैं। हम चाहते हैं ये पूरे के पूरे 100% इसी में हो जाएं क्योंकि हम जब चना बनाएंगे तो हम आलू ऊपर से ही डालेंगे। ये हमारे आलू हो चुके हैं लगभग। अब हम इसमें 1 से 2 मिनट मिर्च, हरी मिर्च, वो भी इसमें फ्राई कर देंगे हल्की हल्की। अब हम गैस बंद कर देंगे। ये जो आलू हैं, अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, ये हमने आलू फ्राई किए हुए निकाल लिए हुए। ये 3 से 4 कलियां हमने लहसुन के लिए है और ये हरी मिर्ची, 3-4 हरी मिर्ची, और ये एक अदरक का टुकड़ा लिया हुआ है। ये हमने 2 बड़े बड़े प्याज काट के रखे हुए हैं, तो ये इनका हम अलग से पेस्ट बना लेंगे। और ये जो 2 टमाटर हैं, इसका पेस्ट हम अलग से बनाएंगे। ये देखिए, ये हमने टमाटर और प्याज लहसुन का पेस्ट बना लिया अलग अलग। जो ये जो हमने प्याज का जो पेस्ट बनाया है, मोटा मोटा बनाया है, इसको हमने ज़्यादा बारीक नहीं किया है। और ये हमारा टमाटर का पेस्ट है जिसमें हमने आलू फ्राई किए थे, हम इसी में बनाएंगे। इसमें तेल ज़्यादा है तो ये हम ये तेल निकाल लेंगे, ज़्यादा तेल में नहीं डालेंगे। अब हम इसमें 1 तेज़पत्ता और 2 लौंग और 1 टुकड़ा दालचीनी का डालेंगे। थोड़ी देर के लिए इसको हम हल्का हल्का गर्म करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें जीरा डालेंगे।
एक मिनट तक हम इसको हल्का गरम करेंगे। जीरा हमारा अच्छे से चटक जाना चाहिए। अब जो हमने एक कटोरी ये जो हमने मिक्स प्याज वगैरह जो रखा हुआ था वो डालेंगे, जो मसाला किया हुआ था इसको हम हल्का हल्का ब्राउन करेंगे, कच्चा नहीं छोड़ेंगे, इसको हमने पकाना है। दो मिनट तक हम अच्छे से इसको भून लेंगे। अब एक चम्मच हम इसमें हल्दी डालेंगे। ये हमारा मसाला हो चुका है। अब हम इसमें ये टमाटर की प्यूरी डाल देंगे जो हमने टमाटर मैश करके रखे थे मिक्सी में। अब इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको अच्छे से पकने देंगे। अब हम इसमें एक चम्मच लाल कश्मीरी मिर्च डालेंगे, जो तेज़ नहीं होती बिल्कुल भी, ये सिर्फ कलर के लिए होती है ज़्यादातर, ये बिल्कुल तेज़ नहीं होती है। इसको हम अच्छे से इसमें मिला लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जो हमने चने उबाले थे वो भी अच्छे से हो चुके हैं, ये देखिए गर्म है लेकिन पक चुके हैं, ये हमारे चने हो चुके हैं। अब हम इसमें छोले डालेंगे। अब हम इन छोलों को अच्छे से मिला लेंगे और थोड़े बहुत छोले हम इसमें मैश कर देंगे। इनको हम 2-3 मिनट तक इसी में फ्राई करेंगे मसाले में। कुछ छोलों को हम करछी से ही मैश करेंगे, ऐसे हल्के हल्के हम इनको दबा लेंगे, ज़्यादा तेज़ नहीं दबाना है नहीं तो कढ़ाई गिरने का डर रहेगा, तो ऐसे करके हम इसको मैश कर लेंगे। जब ये थोड़े अच्छे से मिल जाएं तो उसके बाद हम ये जो छोले का पानी है ये ऊपर से बाद में डालेंगे। अब हम इसमें ये बड़ी वाली इलायची डालेंगे जो दालों की रानी है, दाल की रानी है, ये डालेंगे। और एक बड़ा चम्मच डालेंगे हम छोला मसाला। और 1 बड़ा चम्मच जीरा पाउडर। और 1 चम्मच के आसपास हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, थोड़ा सा कम डालेंगे। ये हमने सारे मसाले डाल दिए। अब हम ऊपर से इसमें जो हमारे छोले का पानी है वो डालेंगे। अब हम इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए
अब हम इसको 2-3 मिनट तक उबलने देंगे और ऊपर से हरा धनिया डालेंगे। अगर आपके पास हरा धनिया है तो आप हरा धनिया डाल दीजिए और साथ में कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। ये हमने एक कटोरी में बारीक बारीक हरा धनिया काट के रखा हुआ था, ये डाल देंगे। ये हमारे छोले तैयार हैं। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करना। अब ये हमारे चने अच्छे से उबल चुके हैं। अब जो हमारे जो आलू बचे हुए थे वो पहले से ही फ्राई थे और पके हुए थे, तो हम ये इसमें डाल देंगे। ये देखिए ये हमारे छोले तैयार हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से तैयार हैं। एक बार आप ऐसे कोशिश करके देखना, ट्राई करके देखना। आप इसको चावल के साथ या पूरी के साथ भी खा सकते हैं। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 लाइक सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर, हम ऐसी ही वीडियो लाते रहेंगे।